सीधे किसानी को बचाने और कृषि कानूनों को रद्द करने लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज आंदोलन 70वें दिन में प्रवेश कर गया है। लंबे समय से किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रखे हैं। राजधानी की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। कई दौर की वार्ता सरकार के साथ नाकाम रही है। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है, लेकिन आंदोलन के भी अलग अलग स्वरूप देखे जा रहे हैं। खास तौर पर 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर पहले बैरिकेड्स लगाए गए, कीलबंदी और अब दीवार बंदी की जा रही है। पक्की सीमेंटेड दीवारों के जरिए पक्के इंतजाम दिल्ली पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि वो शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। ये तो डर के जिवे वो ना घबराए हुए जो इन्हों का मन चाहती कर रहे हैं। बाकी साडे वालों मेरे तो सिस्पुल चलेगा, कोई यहोजी अंदोलन वधिया चलेगा, कोई साडा बंदा हरकत नहीं करेगा। साडे जो पंजाब के आगू ने, जो जिलों के आगू ने, जो ब्लाकों के आगू ने, उन्हां दे अंदर चल रहे हैं। जो भी जिन्हें भी अंदोलन च पंजाब चो आई संगत हरियाणा चो आई, अपना कोई बंदे की मंशा नहीं है भी अंदोलन खराब करन दी। किसानों का ये भी मानना है कि आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन के रास्ते में कीलों से लेकर कंटीली तारों और अब दीवार जैसे रोड़े अटकाए जा रहे हैं। यहाँ बैठे हैं, किसी को बट्टा चक्के नहीं मारा। जैसे एम्बुलेंस का रास्ता छोड़ा था, इसने आगे एम्बुलेंस का रास्ता बंद कर दिया। हमारी जो फ्लशे थी, आर्टिफिशियल गाड़ियाँ थी फ्लश वाली, वो वापस ले गए हैं। लाइट काट दी है और जो हमारे पानी आता वो काट दिया। सफाई सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ सफाई है। सफाई कर्मचारी रोक रखे हैं, उसको आने नहीं देते। हमने DC जो SD में जहाँ का लोकल है उससे बात की, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। DC से DC से बात की तो वो भी फोन नहीं उठा रहे। जो बच्चे के रस्ते हैं दिल्ली में आने जाने वाले, वो पूरी तरह से बंद किए गए हैं। आम लोगों को इससे काफी परेशानी भी हो रही है। आंदोलन की वजह से एक ही बॉर्डर पर एक तरफ सड़क पर किसान बैठा था, दूसरी तरफ एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा था, लेकिन अब वो रास्ता भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से लोग भारी परेशान।